चलो चलो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इंडिया का सबसे बड़ा एक्शन हीरो कौन है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी टाइगर श्रॉफ, ऑप्शन सी ऋतिक रोशन या ऑप्शन डी विद्युत जामवाल। येस, द करेक्ट आंसर इज विद्युत जामवाल। तो गाइज, विद्युत जामवाल इज बैक विद दिस मूवी जिसका नाम है क्रैक, जीतेगा तो जिएगा। इसका ट्रेलर मुझे कमाल का लगा और यूनिक कॉन्सेप्ट भी लगा। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विद्युत जामवाल की न्यू मूवी क्रैक के कुछ अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। सो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर वन, क्रैक मूवी बताया जा रहा है इंडिया का फर्स्ट एवर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म और ये मूवी फरवरी 23 में रिलीज होगा। नंबर टू, क्रैक मूवी विद्युत जामवाल की क्लोज फ्रेंड आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इससे पहले विद्युत की मूवी कमांडो 3 को भी डायरेक्ट किया था। नंबर थ्री, इस मूवी में विद्युत के साथ दिलबर गॉल, नोरा फतेही, रोबोट लुक एक्ट्रेस एमी जैक्सन और रावण के एक्टर अर्जुन रामपाल भी लीड रोल में दिखाई देंगे। नंबर फोर, बहुत सारे रिपोर्ट्स के अनुसार क्रैक मूवी का बजट है अराउंड 50 करोड़ और ये एक एक्शन स्पोर्ट्स मूवी है और एक एक्शन मूवी 50 करोड़ के बजट में, वाओ, हैट्स ऑफ टू द मेकर्स। और क्या लगता है आपको, ये मूवी हिट होगा या नहीं, मुझे कमेंट पे जरूर बता देना। नंबर फाइव, क्रैक मूवी थोड़ा थोड़ा पर्सनली मुझे स्क्विड गेम सीरीज से काफी इंस्पायर लगा, क्योंकि उसमें भी गेम खेलना होता था और जीतेगा तो जिएगा। तो गाइज, ये बाकी मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो गाइज, यही थे क्रैक मूवी के कुछ अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।